गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय के कांग्रेस सचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर दमोह पहुंचे, जहां भारत जोड़ो यात्रा एवं 26 जनवरी से जो प्रारंभ हो रही है उसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, प्रदेश स्तर पर 26 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से पूरे देश में चल रही है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उसका जनता ने स्वागत किया, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया आज मीटिंग में। और 26 जनवरी 2023 को एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है, हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होगी और वो 2 महीने तक चलेगा। इस संबंध में आज उसकी तैयारी के संबंध में आज बैठक ली गई। ये बैठकें 26 से लेकर 29 तक ब्लॉक स्तर पर होंगी, क्योंकि 26 जनवरी 2022 को राहुल जी की श्रीनगर में यात्रा का समापन होगा और वहीं पे झंडारोहण होगा। उसके बाद यह कार्यक्रम चलेगा जो 2 महीने तक चलाया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गांव तक, पोलिंग तक, हर घर तक पहुंचेगा यह कार्यक्रम हाथ से जोड़ो हाथ। जो कांग्रेस ने कार्य किए देश की आजादी से लेकर आज तक, उनको बताया जाएगा जनता तक जाके, क्योंकि लोकतंत्र में जब सुनवाई कहीं ना हो तो जनता के दरवाजे पर ही जाया जाता है। राहुल जी ने उसकी शुरुआत करी, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस कार्यक्रम को लेकर हम आगे चलेंगे। और जो इन 8-10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है, वो जनता को बताने का काम करेंगे इसके माध्यम से।